पहली बात बताओ। कल हम लोगों ने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लॉट करना सीखी थी। कैसे सीखी थी? दो तरीकों से। एक तरीका पहला क्या था कि हम लोग मैग्नेट लेंगे, बार मैग्नेट, उसको व्हाइट शीट पे रख देंगे, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स क्या करेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे और टैप 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 करेंगे। टैप 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 करेंगे तो क्या होगा, वो खुद को पैटर्न में क्या कर लेगी, अरेंज कर लेगी, पहली बात। दूसरा हमने देखा था कि हम लोग क्या करेंगे, एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर लेंगे, उसको फिर से कंपास वो रखेंगे, क्या रखेंगे, बार मैग्नेट रखेंगे, और कंपास को कहाँ रख देंगे, नॉर्थ साइड पे। तो हर बार जब हम लोग नॉर्थ पे जाएंगे तो एक न्यू नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब आती है किसकी बात, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती है, दीज आर क्लोज्ड सर्क्यूलर लूप्स, दीज आर क्लोज्ड सर्क्यूलर लूप्स। क्लोज सर्कुलर लूप का मतलब क्या होता है कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ नहीं होता, इनका एंड पॉइंट भी कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी रहती है, दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। तो जब हम लोग मैग्नेट लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाएंगे, तो ये अगर मेरा मैग्नेट है, ठीक है, तो ये नॉर्थ, ये सॉरी, ये नॉर्थ और ये साउथ ले अगर हम लोग, तो मैग्नेट के बाहर इसका डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन कैसा होगा, साउथ टू नॉर्थ। आ रही है बात समझ में? तो हम लोगों ने लिखा, दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, और एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये क्या हो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करें हम लोग, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, कि डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। डेंसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। आ रही बात समझ में? तो जो डेंसिटी होती है किसकी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की पर यूनिट एरिया, गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, गिव द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका, कि देखो अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करेंगे, बनाएंगे, जैसे कि इधर बनाई, इधर बनाई, इधर बनाई, इधर बनाई, इधर बनाई, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर बनाऊं, ठीक है, और इतने ही साइज का स्क्वायर यहाँ बनाऊं, ठीक है, तो इस वाले स्क्वायर में कितनी लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और ये वाले स्क्वायर जो इतनी साइज का है, इसमें कितनी आ रही है, 3, यानी कि जहां पर इतने ही एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और जहां पर उतने ही एरिया में फील्ड लाइंस क्या है, कम है, तो वहां की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, वीक है। तो जितने कम एरिया में जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, उसका मतलब क्या होगा कि उतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर है, इधर पे हम लोग पोल के पास है, तो हमने तो बोला ही था कि पोल के पास तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रांग, और इधर पोल से दूर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड वीक। आई बात समझ में? फोर्थ प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर मुझे क्या करना है,
इस पॉइंट पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। तो मैं इधर एक टेंजेंट बना दूंगी। अब तो तुम लोग समझते हो टेंजेंट क्या होते हैं। अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो मैं इधर एक टेंजेंट बना दूंगी। इस पॉइंट पे देखना है तो हर पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो मुझे किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का क्या देखना है, डायरेक्शन देखना है, तो मैं उस पॉइंट पे क्या करूंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सॉरी एक टेंजेंट क्या कर लूंगी, ड्रॉ कर लूंगी। और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा। क्लियर? सबसे इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चन आने वाला है, छप चुका है, वो है ये पांचवी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, टू लाइंस ऑफ फोर्सेस, टू लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कभी भी दो लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्यों, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि दो लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो हम लोग कहते हैं कि अगर दो लाइंस ऑफ फोर्सेस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, अगर दो लाइंस ऑफ फोर्सेस एक पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो इस एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट बन जाएंगे, दो। इस एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट बन जाएंगे, दो। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के एक पॉइंट पे कितने डायरेक्शन है, दो। तो मैग्नेटिक फील्ड के एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, मैग्नेटिक फील्ड के एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका एक पॉइंट पे हमेशा क्या होगा, एक ही डायरेक्शन होगा। आई बात समझ में? तो हम लोग लिखते हैं दैट टू लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, देयर वुड बी टू टैंजेंट्स, देयर वुड बी टू टैंजेंट्स एट वन पॉइंट, देयर वुड बी टू टैंजेंट्स एट वन पॉइंट शोइंग टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शोइंग टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विच इज नॉट पॉसिबल एज, इसको क्या होता है, एज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या समझ में आया? तो ये क्या है तुम्हारी प्रॉपर्टीज है, किसकी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अभी तक हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओयस्टेड। तो ओयस्टेड क्या करते थे, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। पर गलती से ये जो इनका सेटअप था, इलेक्ट्रिक सेटअप, इधर पे क्या रखा हुआ था, एक कंपास रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, एक कंपास, ठीक है। तो जब इन्होंने क्या करा कि इधर पे से करंट पास किया तो कंपास नीडल इस तरीके से, जो पर्पल वाला है ना, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई। तो इसको लगा यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसने क्या करा, करंट का डायरेक्शन चेंज करके देखा। तो इन्होंने क्या करा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तो जो नीडल डिफ्लेक्ट हुई उसका डायरेक्शन भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तब ओयस्टेड को लगा क्या कि देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद उसने एस्टेब्लिश किया दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो उसके आसपास क्या क्रिएट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब क्या हुआ, अलग अलग एंड पे इस पे एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, वो समझनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम लोगों ने क्या करा, ये जो ये दिख रहा है पैरेलोग्राम शीट का, एक क्या लिया, कार्डबोर्ड लिया, इस कार्डबोर्ड में छेद कर दिया, इस कार्डबोर्ड में क्या कर दिया, एक होल कर दिया सेंटर में। और इस सेंटर से हम लोगों ने क्या करी, एक कंडक्टर पास करा। इस सेंटर से हम लोगों ने क्या करा, एक इस सेंटर से हम लोगों ने क्या करा, एक कंडक्टर पास किया। तो बेसिकली ये जो रेड लाइन है ये क्या है, मेरा कंडक्टर है। और इस कंडक्टर को हम लोगों ने वायर्स के थ्रू किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और
इसके ऊपर, ये जो कार्डबोर्ड का पीस है इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी आयरन फिलिंग्स क्या कर दी, स्प्रिंकल कर दी, छिड़क दी, ठीक है ना। और फिर इसको ऐसे टैप 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 किया, आई बात समझ में। तो हमने देखा कि ये जितनी भी मैग्नेटिक ये आयरन फिलिंग्स थी, जो कौन से कलर की है, येलो कलर की, इन्होंने खुद को कैसे अरेंज कर लिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज कर लिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, गोला, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, और इन सब गोलों के सर्कल्स के सेंटर क्या होंगे, कंडक्टर। मतलब समझ लो, टेकिंग कंडक्टर एज सेंटर, मैंने अलग अलग रेडियस की क्या कर दिए, सर्कल्स बना दिए। तो ये जो आयरन फिलिंग है ये खुद को कैसे अरेंज कर लेगी, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद देयर सेंटर एट द कंडक्टर। और देखा कि हम लोग जैसे जैसे कंडक्टर से क्या जाते जा रहे, दूर जाते जा रहे, तो सर्कल्स का रेडियस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से क्या जाती जा रही है, दूर जाती जा रही है। जो क्या बता रही थी कि जैसे जितना आप कंडक्टर से दूर जाओगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और जितना आप कंडक्टर के क्या रहोगे, पास रहोगे, उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो बेसिकली एग्जाम में आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका डायग्राम बनाओ। तो कुछ नहीं करना है, ऐसा एक डायग्राम बना देना है। कभी कभी पूछते हैं कि कौन से फैक्टर्स पे ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, तो हमने कहा ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दो। पहला फैक्टर क्या है कि करंट कितना है, करंट ज्यादा पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग, और करंट कम पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, वीक, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे हमारा कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती जाएगी, वीक होती जाएगी। इसलिए जो बाद वाले सर्कल से वो क्या है, दूर दूर है, और जो शुरू वाले सर्कल से वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर पास है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग, और अगर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, वीक। क्या ये कहानी समझ में आई, आगे जाए। एग्जाम में कभी कभी बोलते हैं बस आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दो, क्या बना दो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ मत करना, ऐसी इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस बना देना। क्या करना, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस बना देना, तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। आगे जाए, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्क्यूलर करंट कैरिंग लूप। अब देखो ये मेरा कार्डबोर्ड है, ये जो पैरेलोग्राम बनाया है ये क्या है, मेरा कार्डबोर्ड है। अब इस कार्डबोर्ड के अंदर मैंने क्या करे, दो होल्स करे, क्या करे, दो होल्स करे, और एक वायर इधर पे से ऐसे करके घुसा दी, सर्कुलर लूप जो है इधर पे घुसा दिया, और नीचे से वो वायर निकाल के उसको मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। समझ में आ रहा है ये सेटअप कैसा है, ये जो पर्पल कलर है ना ये मेरी क्या है, वायर है, और नीचे मैंने इसको कैसे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। और फिर वही काम किया, क्या करा, इस पे बहुत सारी आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर दी। जब मैं इसे बहुत सारी आयरन फिलिंग्स क्या कर दूंगी और इसको टैप 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 करूंगी, तो क्या होगा, ये आयरन फिलिंग्स, ये जो रेड कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं ना, इस फॉर्म में खुद को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। हाँ, ऐसे क्या सारे सेंटर में जाके चिपक जाएंगे, यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होंगे, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नहीं दिखेगी। हम टैप करते रहते हैं ना तो वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं, तो वो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखता है, नहीं तो वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, सारी की सारी उधर पे जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या दिखेगा, जैसे जैसे हमारे सर्कल्स क्या होते जा रहे, बड़े होते जा रहे, तो सर्कल्स की आर्क्स भी क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। तो जैसे हम कंडक्टर से दूर जाओगे तो आपको ये वाली जो आर्क्स है ये कैसे दिखने लग जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल दिखने लग जाएगी। तो हम लोग बोलते हैं एट एवरी पॉइंट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। बट जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे, तो ये सर्कल्स क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, और ये कैसे दिखने लगेंगे, एक दूसरे से पैरेलल दिखने लगेंगे। इज दैट क्लियर, बोलो, कोई परेशानी आई समझ में कहानी, पहले इतना छाप लो फिर आगे की कहानी बताती हूँ। आपने बोला तो चुपचाप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोलेनोइड क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सोलेनोइड क्या होती है, एक वायर होती है, ठीक है ना, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन लगा देते हैं,
और एक कॉइल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते। कॉइल समझते हो, जैसे पेन के अंदर स्प्रिंग होती है ना वैसी। तो समझो हम लोगों ने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ली। इंसुलेटेड कॉपर वायर मतलब उस पर इंसुलेशन कवरिंग चढ़ी होगी, और उसको मैं रोल करके काय में कन्वर्ट कर दूंगी, स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगी, जैसी स्प्रिंग काय में होती है आपके पेन में होती है ना वैसी, ठीक है ना। इस सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। क्या कहते हैं? सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या हुआ? अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर दैट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। आई बात समझ में? तो बेसिकली कुछ भी नहीं, अभी जो हमने कहानी कही थी एक सिंगल लूप की करेंगे। कॉइल में क्या होगा, ऐसे सिंगल 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 कैसे हो जाएंगे, बहुत सारे लूप हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कॉइल के अंदर ऐसे सिंगल 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 क्या हो जाएंगे, बहुत सारे लूप्स हो जाएंगे, और इन सारे लूप्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगी, एड अप हो जाएगी, और हमें बिल्कुल क्या देगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड देगी जैसी कि कहाँ बनती है, एक बार मैग्नेट में बनती है। तो हम लोग बोलते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। आई बात समझ में? अब ये जो कॉइल है इसकी लाइंस तो कैसे बनेगी, बिल्कुल बार मैग्नेट जैसे। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, तीन चीजों पे। पहला नंबर ऑफ टर्न्स पे, दूसरा लेंथ एंड एरिया ऑफ द कॉइल, और तीसरा क्या, आई। आई मतलब क्या, करंट। करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक। क्लियर है? आगे जाए, ठीक है। अब अगर इस कॉइल के अंदर ये ब्लू कलर का दिख रहा है, मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया, क्या करा है, एक सॉफ्ट आयरन कोर मतलब आयरन का एक पीस डाल दिया, तो ये आयरन का जो पीस रहता है ये खुद ही मैग्नेटाइज हो जाता है। ये क्या होता है, खुद ही एक मैग्नेट बन जाता है, और इससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इस तरह के सेटअप को, जैसे मैंने क्या करा, एक सोलेनोइड के बीच में क्या डाल दिया, एक कोर डाल दिया आयरन का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट। क्या कहते हैं? अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट हुआ, जो मैग्नेटिज्म कब शो करेगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, यानी कि हमने बटन ऑन किया, करंट फ्लो करवाया, बटन ऑन किया करंट फ्लो कराया, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जैसे आप इसका बटन क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो या खत्म। तो जब जब करंट है तब तक ये मैग्नेट है, जैसी करंट गया इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, खत्म। तो एग्जाम में कभी कभी तुमसे क्या पूछते हैं, डिफरेंसेस पूछते हैं। क्या पूछते हैं? डिफरेंसेस किसके बीच में, परमानेंट मैग्नेट के बीच में और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में। तो हमने कहा जो परमानेंट मैग्नेट है वो हमेशा ही मैग्नेटिज्म शो करेगा, ऑलवेज, और इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिज्म कब शो करेगा, जब उससे करंट पास हो रहा है। जैसे ही करंट का पासेज खत्म, वैसे ही क्या हो जाएगा, वो मैग्नेट नहीं रहेगा, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या रहती है, फिक्स रहती है, कि जितनी उसके अंदर मैग्नेटिक पावर है वो उतनी ही रहेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट की आप मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आप अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, आप करंट बढ़ा दोगे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी फिक्स रहती है, पोलैरिटी मतलब जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ है वो साउथ ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में क्या होगा, अगर आप करंट का डायरेक्शन क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो जो पहले नॉर्थ था वो अब क्या बन जाएगा, साउथ, और जो पहले साउथ था वो अब क्या बन जाएगा, नॉर्थ। आई समझ में कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या खत्म होता है, आधा चैप्टर ऑलमोस्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी सिर्फ एक रूल बता दूं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, एक छोटा सा रूल है, कुछ भी नहीं है। रूल बोलता है, सपोज यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैंने क्या करा, अपने राइट हैंड में पकड़ लिया, ठीक है ना। सच दैट द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो मेरा थंब है ये क्या दिखा रहा है, करंट का डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स रैप होगी, जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स रैप होगी, वो गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा, ईस्ट टू वेस्ट। और अगर करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। अगर कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्थ टू साउथ, और अगर ऐसे रखा हुआ है तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। इस हिसाब से जब भी किसी लूप में, जैसे सोलेनोइड में गोले थे बहुत सारे,
तो लूप में जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो वो उसका क्या बना लेगा, नॉर्थ पोल, और जहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा वो क्या फॉर्म कर लेगा, उसका साउथ पोल। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी आई समझ में कहानी?